किसान आंदोलन को लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं बॉर्डर पर किसानों ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वहीं किसानों ने पक्के कमरों में कूलर और पंखे लगाने की बात भी कही है। ये निर्माण कार्य हुड्डा खाप के किसानों ने शुरू किया है। किसान पक्के निर्माण में 4 तसले रेती और 1 तसला सीमेंट का मसाला लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसानों ने ठान लिया है कि वो अब टस से मस नहीं होने वाले। वहीं किसानों ने कहा कि सर्दियों के बाद अब वो गर्मियां भी सड़क पर ही बिताएंगे और कृषि कानून रद्द करवा कर ही घर जाएंगे। गांव में किसानों ने फसलों के साथ साथ धरने पर बैठने की पूरी तैयारी कर ली है। इसका मतलब ये है कि किसान आगे भी डटे रहने को तैयार है। किसान आंदोलन में जो सरकार कह रही है कि अपने काम के टाइम पर भाग जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, हम अपने साथ ले जाओगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, पक्के मकान बनाने लग गए। इस बात के मारे चार एक का मसाला बना रहे हैं, बढ़िया सीमेंट के पक्का बना रहे हैं। सरकार की तरह नहीं कि 8-12 का लगा दिया, 6-12 का लगा दिया और सरकार का छोड़ के जावांगे। सरकार कितनी है भूखी मरो, सरकार ने भी खुवावांगे और सारे देश ने खुवावांगे। लेकिन ये कह रहे हैं ना, ये फसल फूक दो कुछ, वो भी नहीं करेंगे। हम अपने अपने इसके लिए बैठे हैं, सभी जाति के लिए और अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना गर्मी से बचने के लिए, अपना इसको धरने में। हम चाहते हैं सरकार कल मान जाए, हमारा भी पांडा छूट जाए, सरकार का भी पांडा छूट जाए। पूरी ठंड झेलने के बाद ये आंदोलनकारी किसान अब गर्मियों को मात देने के लिए भी तैयार है। अब देखना ये होगा कि ये किसान आंदोलन कब तक चलता है।